शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शैतान मंत्री जी, मेरा पहला सवाल है कि आप हमेशा अपने साथ ये कुर्सी लेके क्यों घूमते हैं? सारा लफड़ा झगड़ा जो है वो कुर्सी का ही है ना, तो कुर्सी कैसे छोड़ दें? कुर्सी के मामले में हम अपनी पत्नी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। हमारे इलाके में जाड़े में खटिया कम सरकती है, कुर्सी ज्यादा। कोई ढंग का सवाल पूछिए, पागल मत समझिए हमको यार। मंत्री जी, आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत है। क्या 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 क्या? आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत हैं। ये आरोप नहीं है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारी इमेज खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपोजिशन वाले चाहते नहीं है कि हम इलेक्शन में जीत पाए, इसलिए सब हमको कहते हैं कि ये ईमानदार है, ईमानदार है। और हम जनता से साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हमारे जैसा भ्रष्ट और चालू नेता इस देश में पैदा नहीं होगा। तुम काहे को बैठ गए यार? हमारे पक्ष के उम्मीदवार बैठ जाए ये हमको पसंद नहीं है। हम थूके ना थूके, तुम डब्बा पकड़े रहो। मंत्री जी, हमने तो यहाँ तक सुना है कि जब आपको खेल कूद का मंत्री बना दिया गया तो आपने खेल कूद की तरक्की के लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा कैसा कह रहे हैं आप, ऐसा कैसा कह रहे हैं? अब हाकी को ले लीजिए, हाकी में जो गड़बड़ हो रहा था हमने चेंज कराया। 22-22 तगड़ा तगड़ा लोग, यह बड़ा बड़ा डंडा लेकर एक नन्ना सा गेंद के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता? दुनिया भर का झगड़ा होता है, एक गेंद के पीछे पड़े रहते हैं। हमने उसको चेंज करा, हमने कहा कि हर एक खिलाड़ी को उसका अपना गेंद दे दिया जाए, अपना गेंद पकड़ कर खेलता रहे, खेल का खेल होता रहेगा और गोल भी ज्यादा होगा। वरना डेढ़ डेढ़ घंटा खेलता रहता है, एक गोल नहीं होता। आज तो हम मंत्री महोदय जी को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे। ये लीजिए मंत्री महोदय जी। हम किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के हाथ का दूध नहीं पीता हूं। अमर, एक मिनट। झुलनी का रंग गड़बड़ हमार पिया, झुलनी का रंग गड़बड़ हमार। अमर, तुम यही समझते हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि वो धोखा नहीं, मेरा फर्ज था, और उसी फर्ज को निभाते निभाते मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लग गई। Really? एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस लड़की ने लड़के का दिल मांगा तो मालूम उस लड़के ने क्या किया? अपना सीना चीर के दिल निकाल के उस लड़की के हाथ में रख दिया। तो जानती हो उस लड़की ने उस दिल के साथ क्या किया? तुमने भी ऐसा किया ना उसके साथ? कैसा था वो? गोरा सा दाढ़ी वाला था, पूरी आंखें थी उस।
मेरा अंगन है मैं तुम्हारा क्या काम है जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी है लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी। आप लोग जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी से। हुजूर आप जाइए प्लीज। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अमर, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। तुम्हारी जान को खतरा है। आगे भी खतरा, पीछे भी खतरा। अमर, तुम्हें मार डालने की कोशिश की जा रही है। जो दूसरा ग्लास तुमने फेंका था उसमें जहर मिला हुआ था, जहर। अमर, ये तुम्हारे पीछे बहुत गहरी जाल रची जा रही है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। आखिरी लोग कौन हो सकते हैं? एक हमदर्द होने के नाते मैं तुम्हें इंस्पेक्टर सीमा और हमदर्द, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों। शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि तुमने तो हमेशा मेरे वफाओं के आसमां को फर्श के बादलों से ढका देखा है। इस दौर में वफाओं की उम्मीद जिससे की, आकर उसी के हाथ का पत्थर लगा मुझे। ये रहा मेरी वफादारी का सबूत। एक कुंवारी लड़की के लिए अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, और मैंने अपनी इज्जत तुम पर निछावर कर दी है सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक लड़की भी हूं जो तुमसे बहुत प्यार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा मंत्री जी, उस पेशेंट को अंदर भेजो। यस सर। भाई साहब, भाई साहब, साहब ने बुलाया आपको। तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्यों चले आए? मुझे यहाँ कोई मजबूरी खींच लाई है। 48 घंटों में मुझे किसी को 1,00,000 रुपया देने का है। तुम्हारी अय्याशियों को पूरा करने के लिए ये कारोबार खोल कर नहीं बैठा हूं मैं। जो काम मैंने तुमसे करवाया था उसका दाम दे चुका हूं। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहां नहीं आना। गेट आउट। खन्ना साहब, एक बार फिर सोच लीजिए, मुझे उन पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। 1,00,000 रुपये। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं तो फंसूंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। रही 1,00,000 रुपयों की बात, तो अमर की जायदाद मेरी होने के बाद मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा, लेकिन मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। सुनो लोगो, मैं डॉक्टर हूं। ऑपरेशन के औजारों के साथ साथ और भी बहुत कुछ है मेरे पास। लोगों को तंदुरुस्ती और जिंदगी की सलामती के मशवरे देता हूं मैं, तुम्हें भी जिंदगी की सलामती का एक मशवरा दे रहा हूं। आइंदा ना यहां कदम रखना और ना ही मुझसे रुपयों की डिमांड करना। ठीक है खन्ना साहब, बड़ी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया था। लगता है कोई दूसरा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तुम नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। ये देश का क्या हाल हो रहा है यार, चारों तरफ वाट लगी हुई है। हाँ।
औलत, मुझे यही मालूम करने का था कि तुम पागल नहीं है, पागलपन का नाटक कर रहा है। और यह पागलपन का नाटक तुम अपने अंकल का मर्डर का सजा से फांसी से बचने के लिए कर रहा है। लेकिन तुमको ये सुनकर बहुत शौक लगेगा कि वो मर्डर तुम नहीं किया, कोई और किया। कौन है वो? किसने किया मेरे चाचा का कत्ल? कल रात 12 बजे शो खत्म होने के बाद हरिदास हॉल में मैं सारा सबूत और एविडेंस के साथ तुम्हारा वेट करेगा, जो तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा सकता है। किस तरह के सबूत है वो? सिवाय रुपयों के तुम्हारे साथ और कोई नहीं होगा। एंड रिमेंबर, 1 lakh rupees, 1000000 वो पहुंच लो। मैंने आपका केस पूरा स्टडी किया है। थैंक यू सर। और मुझे लगता है योर ऑपरेशन आई विल डू इट ऑन मंडे। ओके सर, एज यू विश। अमर, तुम? अंकल, अंकल घबराइए मत। अपने आप को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मुझे पागल बनना पड़ा। मैं पागलखाने से भाग कर आया हूं। आओ आओ, बैठ कर आराम से बात करते। अंकल, हम लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या? आज तक मैं समझता था कि चाचा जी का खून मेरे हाथों हुआ है, मगर आज मुझे एक आदमी मिला जो चाचा जी के असली कातिल को जानता है। कौन है वो असली कातिल? ये उसने नहीं बताया, क्योंकि उसे 1 lakh rupees की जरूरत है। रुपए मिलते वो सब कुछ बता देगा अंकल। वो जो कुछ भी है तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे उसकी बातों से लगता है कि वो इस मर्डर केस के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर मैं उसको पैसे दे दूंगा तो सब कुछ बता देगा। मैं घर भी गया था, मगर पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा। अंकल, मौसी के बाद अगर मेरा कोई अपना है तो आप है। अगर आप मुझे 1 lakh rupees दे दें तो मेरी जान बचाने का यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अंकल प्लीज। नहीं, प्लीज कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। पैसा क्या तुझसे ज्यादा है क्या? अरे तुझे बेगुनाह साबित करने के लिए 1 lakh तो क्या, मैं अपनी सारी जायदाद लुटा दूंगा। ये ले। थैंक यू। लेकिन कहां बुलाया उसने तुझे? हरिदास हॉल में रात को 12 बजे के बाद। हरिदास हॉल में रात को 12 बजे के बाद 1 lakh rupees के साथ? नहीं नहीं बेटे, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। अंकल, उसकी पहली और आखिरी शर्त ही यही है कि वहां पर मेरे साथ कोई और नहीं होना चाहिए। ओह, आप मेरी परवाह मत कीजिए, मैं देख लूंगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखना बेटे। अपना ख्याल रखना बेटे। हाँ।